नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। जैसा कि हम आपको नरेशन के पार्ट वन में मेन 5 पॉइंट्स बता चुके हैं और आज आपको हम 6, 7 और 8 पॉइंट्स बताएंगे। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में भी मैंने नो चेंज बताया था, एक पॉइंट और है जिसमें नो चेंज से रिलेटेड आपको कुछ जानना है। तो गाइस जान लेते हैं कि नो चेंज 6 पॉइंट में कौन सा है कि जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करते हैं। टेंस ना चेंज करने से मतलब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। अगर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं चेंज करेंगे तो टेंस नहीं चेंज होगा। तो ये तो था 6 चेंज जिसमें हमने ये जाना कि हमको कब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना होता है। जब तक आपका प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी तब तक आपका रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। सेवेंथ पॉइंट में देख लेते हैं साइड प्लेस वर्ड और डिस्टेंस प्लेस वर्ड। साइड प्लेस वर्ड हमारे क्वेश्चन में आते हैं और डिस्टेंस प्लेस वर्ड हमको फॉलो करना होता है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है दिस, दिस मीन्स यह, ये साइड के लिए यूज होता है और इसका डिस्टेंस प्लेस वर्ड जो होगा वो है दैट, मीन्स दिस मीन्स या, दैट मीन्स वह, दूर के लिए मतलब डिस्टेंस के लिए। इसी तरह से दीज है, दीज मीन्स ये और दोज मीन्स वे या वो, हियर मीन्स यहां, देयर मीन्स वहां। मतलब हर वर्ड से हमें ये लग रहा है कि इस साइड के जो है ये साइड के लिए यूज हो रहे हैं और इस साइड के जो है डिस्टेंस प्लेस वर्ड के लिए ही यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे आएंगे और हमको उनको चेंज कर देना है डिस्टेंस प्लेस वर्ड में। चेंज करते समय आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस या टेंस हो, चाहे वो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव या फिर लेट से रिलेटेड हो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंसेस हो उसमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ये अगर आए हुए हैं क्वेश्चन में तो हम इनको चेंज करेंगे ही करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हमें इन्हें चेंज नहीं करना है। सो गाइस समझ गए होंगे आप। थोड़े से बचे हुए कुछ और है उनको भी जान लेते हैं। दस का सो हो जाता है, हेंस का देंस हो जाता है, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट एंड नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक एंड मस्ट का हैड टू, ये आपको कंपलसरी चेंज करना ही करना है। टेंस किसी में भी आया हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटिव, कुछ भी हो। तो नेक्स्ट एक पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पर्सन। सो गाइस देयर आर 3 पर्संस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, सेकंड पर्सन होता है यू एंड थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे एंड एनी नेम, सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। और आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, आई का ऑब्जेक्ट पोसेसिव माई और वी का पोसेसिव अवर। इसका मतलब ये हुआ कि आई मी माई वी अस अवर, ये 6 जो है इनको आप छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। तो ये जो 6 है ये है फर्स्ट पर्सन और ये जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी कभी आते हैं तो इनको हमको कंपलसरी चेंज करना ही करना है। इससे किसी टेंस से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया साइड प्लेस वर्ड और डिस्टेंस प्लेस वर्ड के बारे में कि अगर वो आते हैं तो हमको कंपलसरी चेंज करना है। इसे किसी भी प्रकार के कोई टेंस से लेना देना नहीं होता है। उसी तरह से इसको भी, अगर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर चेंज करेंगे, यदि सेकंड पर्सन आया है तो अकॉर्डिंग टू लिसनर चेंज करेंगे, यदि अगर थर्ड पर्सन आया है इनमें से कोई आ जाए ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, इट, इट, इट्स, दे, देम, देयर या सिंगुलर नाउन से या प्लूरल नंबर का कोई भी सी और हर से रिलेटेड हो, सी और ही से रिलेटेड, तो हम नहीं चेंज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हम स्पीकर के अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन लिसनर के अनुसार चेंज करते हैं एंड थर्ड पर्सन नहीं चेंज करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।